सर, तो लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग्स और गुड न्यूज़ क्या है यहाँ पर. ठीक है, शफल करते हैं कार्ड्स को. थैंक यू. ओके कैंसर, एडिक्शन किस बात की हो रखी है आपको? कोई एडिक्शन है क्या, किसी चीज़ की कोई ऐसी लत लगती चली जा रही है क्या? कोई शुगर है या कोई खाना है, कोई आदत है टीवी देखना या फिर फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करना या फिर वही स्क्रॉल डाउन करते रहना यूट्यूब शॉर्ट्स को. अगर ऐसी कोई भी आपकी एडिक्शन बन रही है चीज़, आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप समय रहते ही उस पर थोड़ा सा काबू पा लें, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब चीज़ इतनी जटिल बन जाएगी कि वापस मुड़ना मुश्किल हो जाएगा. तो यहाँ पर इस वक्त आपका जो होमवर्क है, ये जो टास्क आपको आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं, वो यही है कि इस वक्त टाइम एंड स्पेस में आपका यही काम है कि आप किसी भी चीज़ की एडिक्शन बनने से अपने आप को रोकें. लत जो है आपको फिर आगे चलकर काफ़ी तंग कर सकती है. तो आपका आपके लिए यही होमवर्क है, यही टास्क है आपका कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेक श्योर कि ये किसी भी चीज़ की एडिक्शन आप ना बनने दें, क्योंकि ये जो अपकमिंग ब्लेसिंग्स है ना आपके लिए, उसमें आपके ये जो एडिक्शंस हैं ये बहुत बड़ी बाधा क्रिएट कर सकती हैं. तो जो नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनके लिए आपको अपनी इस एडिक्शन वाली ये जो भी सिचुएशन है इसको आपको हील करना है, इसको जटिल नहीं होने देना है. ओके तो कैंसर आपके लिए पहला मैसेज यहाँ पर ये है. जो लोग भी यहाँ पर प्लांट्स के साथ काम कर रहे हैं इन दिनों, या नए प्लांट्स खरीदे हैं, या आप उनके साथ बैठकर बातें करते हैं, उनके साथ बैठकर उनके इर्द गिर्द बैठकर चाय पीते हैं, इंजॉय करते हैं, रिलैक्स होते हैं, आई फील लाइक कि आपके प्लांट्स यहाँ पर आपको ये जैसे एक एनर्जी भेज रहे हैं हीलिंग की, और वो बहुत खुश हैं इस तरीके से जिस तरीके से आप उनका ख्याल रखते हो. और यहाँ पर आपको यही संकेत दिया जा रहा है कि ये अबंडेंस की निशानी है. एक होता है ना, हम पंजाबी में बोलते हैं दलिद्दर जाना, माने कि जो भी आलस से भरी हुई एनर्जी है आपकी लाइफ में कैंसर, उसमें प्लांट्स उसको यू नो उस एनर्जी को हील करने में आपकी काफ़ी मदद कर रहे हैं. बहुत सारी इंस्पिरेशन भी मुझे प्लांट्स की तरफ से आती हुई दिख रही है. सो यस, जो लोग भी यहाँ पर प्लांट्स के साथ काम कर रहे हैं, गुड जॉब गाइस, आपके प्लांट्स बहुत हैप्पी हैं और आपको बहुत सारी लविंग एनर्जी भी भेज रहे हैं. ओके थैंक यू. यहाँ पर स्मॉल अचीवमेंट ये शब्द भी है, खास करके आप में से जो लोग भी हैंड राइटिंग को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, आई फील लाइक कि यहाँ पर वो अचीवमेंट वाला मोमेंट आपको आएगा कि यस फाइनली मैंने इस चीज़ के ऊपर काम किया और मेरी हैंड राइटिंग में कुछ तो सुधार हुआ है. अगर ये हैंड राइटिंग नहीं है तो कोई ऐसा काम है जो आपको यू नो किसी चीज़ की कमी का आभास करवाती थी, कि कमी का एहसास करवाती थी, बट उसी चीज़ में एक थोड़ा सा चेंज है, एक परिवर्तन है, और आपको ऐसा लगा कि चलो कुछ तो अच्छा किया मैंने अपने टाइम के साथ. एक सेटिस्फैक्शन का पीरियड यू नो आपकी लाइफ में आ सकता है. वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स. अगर आप में से कुछ लोग, खास करके लव रिलेशनशिप में ये मैसेज मैं देना चाहूँगी, आप में से जो लोग भी ये इसी ऐसे माइंड सेट में थे कि नाज मैंने बहुत किया, मैंने बहुत दिया, मैंने बहुत सहा, बहुत चुप भी रहा, मैं सब कुछ किया मैंने, लेकिन मुझे बदले में वो सब कुछ नहीं मिला जो मैं चाहता था. ट्रस्ट मी, आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो और यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो आपकी इसी यू नो इसी कहते हैं ना कि इसी शिकायत को दूर करेंगे. अभी तक अगर आपकी लाइफ में ये शिकायत बरकरार रही है कैंसर कि मैंने सब कुछ किया ना, मेरा मन भी साफ था, मैंने मोहब्बत भी की, मैंने आदर सम्मान रिस्पेक्ट सब कुछ दिया, ट्रस्ट मी माय लव, आपकी लाइफ में इसी शिकायत को दूर करने वाले लोग आने वाले हैं और आपको इतना प्यार दिया जाएगा, आपको इतना प्यार मिलेगा, आपका ये जो भार है ना इसको यहाँ पर आपसे ले लिया जाएगा, क्योंकि घर पास है. तो ऐसे लोग जो आपको होम का एहसास कराएं, घर की तरह लगें, घर में कैसे हम कहते हैं ना कि कंफर्टेबल से, इसके साथ कुछ भी शेयर कर लो, इसको कुछ भी बता दो, मुझे चिंता नहीं क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझे मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगा, घर की एनर्जी वैसी होती है. सो आई फील लाइक कि आप में से बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप में जो शिकायतें थी आपकी, उन्हीं शिकायतों को दूर करने वाले लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं. और पहली ब्लेसिंग आपकी ये है यहाँ पर. आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसी जॉब, ऐसे करियर पैथ को भी अट्रैक्ट करने वाले हैं कैंसर, जिसमें जितनी आपकी मेहनत, जितनी आपकी काबिलियत है, उतने ही मुताबिक आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, उतना ही धन अबंडेंस मिलेगी. अभी तक शायद आप कुछ ऐसी जॉब में फंसे हुए थे जहाँ पर काम तो बहुत ले लिया किसी ने, लेकिन शायद उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी आपको.
या फिर आपको जितना यू नो रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। कुछ लोगों की प्रमोशन भी रुकी हुई हो सकती है, शायद कुछ लोग आपके पीछे थे वो प्रमोट हो गए लेकिन आप नहीं हुए। ट्रस्ट में यहाँ पर आपके उसी एनर्जी को भी यहाँ पर हील किया जा रहा है। तो कैंसर आपके लिए पहली ब्लेसिंग, मेन ब्लेसिंग जिसको आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो यही है कि आपकी शिकायतों को यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स हील करेंगे। कि हमारा बच्चा शिकायतें करता रहा अभी तक कि देखो ये भी किया मैंने, वो भी किया, आपकी शिकायतों को यहाँ पर ठीक किया जाएगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वी हैव हाई प्रीस्टेस, ओ माय गॉश, वी हैव द एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर आप बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही सधे हुए, बहुत ही इंट्यूटिव, दिल के अमीर लोग जो हों, यू नो सिर्फ शेखी वाले नहीं कि देखो मेरे पास ये गुची और प्राडा का बैग है, नहीं, दिल के भी अमीर हों जो लोग, ऐसे लोगों की संगति को आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। और आप अपने आप को बहुत लकी महसूस करेंगे इन लोगों की संगति में पाकर, क्योंकि ये बहुत ही वाइज, बहुत ही रिस्पेक्ट वाले लोग होंगे, इतने कि मालफत कुछ ना कुछ ईश्वर के बारे में, ईश्वर की बात करने वाले लोग होंगे। इनमें से बहुत सारे लोग जैसे किसी भी धर्म से हो सकते हैं हालांकि, लेकिन जैसे गीता की समझ रखना, यू नो, या कुरान की समझ रखना, ऐसे कोई भी ऐसे लोग जो ईश्वर की समझ रखते हैं और कोई अच्छी बात आपको सिखा सकें, ऐसे लोगों की संगति में उठने बैठने का आपको मौका मिल सकता है। विद द हाई प्रीस्टेस ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग यू नो अपने ये जो करियर पाथ की हमने बात की है, कोई साइकिक करियर हो सकता है, स्पिरिचुअल पाथ से रिलेटेड कोई करियर हो सकता है। एम्प्रेस से मुझे ये बिजनेस लग रहा है जिसमें आप क्रिस्टल्स बेच रहे, यू नो सेल करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें हाथ में क्रिस्टल बॉल पकड़ी हुई है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर यू नो लव एनर्जी को लेकर भी कुछ यहाँ पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीनस की एनर्जी है। वीनस लव रिलेशनशिप हार्मनी ब्यूटी इसी का ही ग्रह माना जाता है, राइट, इसी की एनर्जी मानी जाती है। तो यस, यहाँ पर कुछ लोग खूबसूरती को, जैसे लोगों को भी आप शायद खूबसूरत बनाने का कोई काम कर सकते हैं, जैसे किसी के कोई हेयर ड्रेसर बनना चाहता है, कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है, जिसमें आप लोगों को उनकी खूबसूरती का एहसास दिलवा सकें, ऐसे करियर पाथ हैं यहाँ पर। और मुझे ऐसा भी लगता है विद द एम्प्रेस कार्ड आप डेफिनेटली अपनी माँ के लिए अगर कुछ सोने का खरीदना चाहते हैं, आपकी वो ब्लेसिंग जो है यही है कि आप वो काम कर पाएंगे और आपको बहुत अपने आप में अच्छा लगेगा कि आपकी माँ ने आपके लिए जो भी त्याग किए हैं, यू नो, एक रिटर्न के रूप में, एक थैंक यू गिफ्ट के रूप में आप कुछ ना कुछ अपनी मम्मा के लिए यहाँ पर यू नो कि सोने का तोहफा खरीद सकते हो। मेरे ख्याल से ये हर बच्चे की कहीं ना कहीं कामना होती है, यू नो, जब हम खास करके जब करियर की शुरुआत करते हैं। तो यस, ये ब्लेसिंग मुझे आती हुई दिख रही है। प्रेगनेंसी का भी है, खास करके मुझे यहाँ पर जिस तरीके से ये एनर्जी डबल में आई है, मुझे ट्विंस लग रहे हैं कि आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं या फिर आपकी डिलीवरी होने वाली है ट्विंस के साथ, और ये सब अच्छा चले, अच्छा रहेगा। मतलब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि डिलीवरी कैसे होगी कैसे नहीं, बहुत आसानी से, आराम से ये डिलीवरी हो जाएगी आपकी। ओके, तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के कुछ लोग यहाँ पर लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खेत, धान जिसको बोलते हैं, राइस, हार्वेस्ट शब्द बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर कैंसर। तो यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि लैंड में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। आपके पास जो मनी आपने सेव की हुई है, बहुत अच्छी लैंड मिल सकती है, उपजाऊ है, यहाँ पर धान की एनर्जी है। सो वी हैव यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वांड्स, फोर ऑफ कप्स, एंड वी हैव द हैंगमैन। आई फील लाइक कैंसर आपको कुछ आंसर्स पता हैं, कुछ चीज़ें आपको पता हैं। अगर किसी के स्नीकी बिहेवियर की भी बात करें, आपको वो भी पता है। आप दिखा रहे हो कि आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है। हमारे पास यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, हमारे पास यहाँ पर हैंडमैन है। हैंडमैन लगता बेवकूफ़ है, लगता स्टक है, ये होता नहीं है। इसको सब पता है क्योंकि इसके सिर के इर्द गिर्द ल्यूमिनेशन है, सन की एनर्जी। सो आई फील लाइक कि यहाँ पर आप अगर किसी को ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप चाहते हो कि उसका पर्दाफाश हो जाए, आप अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हो, आई थिंक आप बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें रिवील होने वाली हैं नेक्स्ट 8 डेज विद द एड ऑफ वॉन्स। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो सच जो है वो बाहर आने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स माने कि प्रत्यक्ष होना, कट द क्रैप। यहाँ पर अगर कोई छल कपट है, कोई आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, ताव का ताई कहते हैं ना कि
गलत बताने की, कोई इन्फॉर्मेशन गलत देने की कोशिश करना, यहाँ पर वो चीज़ यू नो मैनिफेस्ट होने वाली है। तो यहाँ पर एक ब्लेसिंग आपके लिए यही है कि ट्रुथ क्या है वो आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपको पता हो कि हाँ अगर मैं इस दिशा में आगे बढ़ूँ तो इस ऑफर के साथ मुझे ये करना है, इस अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे ये करना है, इस काम के साथ मुझे ये करना है। एक क्लैरिटी जिसको बोलते हैं वो मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। विद द फोर ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिसअपॉइंट कर सकते हैं लोग आपको, बट अगेन ये आपके भले के लिए होगा। आपको एक वक्त पर तो लगेगा कि हाँ ये मैंने सोचा तो नहीं था लेकिन ये हो गया, बट अगेन उसी सिचुएशन में कुछ समय के बाद आपको ये भी एहसास ज़रूर हो जाएगा कि चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, एटलीस्ट मुझे सच तो पता चला। तो यहाँ पर फ्रेंड्स की एनर्जी कुछ सिग्निफिकेंट रह सकती है, हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स हैं आपके जो आपके रियल फ्रेंड्स नहीं हैं और वही चीज़ यू नो यहाँ पर अपने आप को प्रत्यक्ष कर सकती है। एट ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रैवल का भी यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, खास करके ये हवाई जहाज़ से कोई ट्रैवल लग रही है मुझे। यस वी हैव नाइट ऑफ वॉन्स अगेन, ये आगे बढ़ना मूवमेंट का ही कार्ड है। अगर आप किसी में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ये बहुत फायर की एनर्जी है, तो अगर आप किसी में दिलचस्पी रखते हैं, किसी को चाहते हैं, आई फील लाइक कि एक कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके अंदर उस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को बताने का। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप अपने लिए जो आपने आपके जो ब्लॉकेजेस हैं बेसिकली कैंसर, आप उन ब्लॉकेजेस को यहाँ पर ठीक कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, मूवमेंट की एनर्जी में यहाँ पर आ रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके कैंसर, यहाँ पर हमारे पास है मैजिशियन एंड वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आपकी पोटेंशियल, उफ। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी अगर आप देखेंगे, हमारे पास है थ्री ऑफ वॉन्स जो कि ट्रैवल का ही कार्ड है। आप अपनी पोटेंशियल को समझ रहे हो मेरी जान, आप अपनी पोटेंशियल को समझ रहे हो, ये कार्ड दोनों साथ में आए हैं। आप कह रहे हो कि मुझे दिखाया तो ये गया और मैंने समझा भी कि मैं ये हूँ, लेकिन आप जैसे आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, पांच पेंटिकल्स है तो आप कह रहे हो कि चलो पांच के साथ ही कुछ करके देखता हूँ, यू नो एटलीस्ट फाइव पेंटिकल्स तो हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली मूवमेंट को चूज़ कर रहे हो, सुधार को चूज़ कर रहे हो, और उसी की वजह से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये स्टेज अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात करता है। तो आपकी कला को कोई पहचान मिल सकती है, मुझे ऐसा भी लगता है मैजिशियन से आप में से जो लोग एफर्मेशंस, विजन बोर्ड, विजुलाइजेशन कुछ भी ऐसा कर रहे थे, खास करके पिछले आठ महीनों से या आठ वीक से या आठ दिनों से, ट्रस्ट में उसकी मैनिफेस्टेशन है। जैसे ये रीडिंग सुन रहे हो, कुछ लोगों की तो कुछ घंटों में वो मैनिफेस्टेशन है, यहाँ पर आपको कुछ घंटों में ही वो गुड न्यूज़ मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत फास्ट एनर्जी है, खास करके नाइट ऑफ वॉन्स से आना। तो यहाँ पर को क्रिएट कर रहे हो आप सिर्फ सारा कुदरत के हवाले या किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ रहे हो, आप कह रहे हो कि यस मैं को क्रिएट करूँगा, क्योंकि मेरा भी कर्म है, यू नो डेफिनेटली। यहाँ पर गीता जो हमारी भगवत गीता है उसका बहुत मुझे सिग्निफिकेंस दिख रहा है। जो लोग भी यहाँ पर गीता को पढ़ रहे हैं, आई फील लाइक उसे आप प्रैक्टिकली आप अप्लाई करने के लिए रेडी हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए। एंजल, द एंजल ऑफ इंटेग्रिटी, माई गॉड, आपकी मैंने कहा ना आपसे, आपकी पोटेंशियल, आपकी योग्यता, आप क्या करने की सामर्थ्य रखते हो। इन द इंटेग्रिटी ऑफ माई बींग आई एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस द डांस ऑफ लाइफ, डांस ऑफ लाइफ, आप रिदम में आ रहे हो यहाँ पर। आप ये भी समझ रहे हो कैंसर कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपकी काबिलियत, ये काबिल शब्द बड़ा सिग्निफिकेंट है आपके लिए, और इसी के इर्द गिर्द बहुत सारी यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस भी हैं। द एंजल ऑफ विलिंगनेस, आई एम हैप्पी, माय एक्शंस आर बीइंग ऑर्केस्ट्रेटेड बाय माय सोल। तो सी यहाँ पर मैंने कहा आपसे कि आपके अंदर वो लगन है, इसी वजह से तो मूवमेंट है। आप कह रहे हो कि अब मुझे अपने हालातों को ठीक करने के लिए खुद एक्शन लेना है, तो वो जिज्ञासा है, वो कर्म करने की नीयत है, और जहाँ नीयत है ना वहीं पर वो रास्ता नजर आता है, जहाँ चाह वहाँ राह, ये वही पूरी कहावत आपके लिए यहाँ पर सटीक बैठ रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए कैंसर। आपके लिए एक एनिमल टोटम की एनर्जी भी ले लेते हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। ओके,
वी हैव लिजर्ड ड्रीम टाइम, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स एंड विजन्स. तो मैंने जैसे आपसे कहा विजुअलाइजेशन का मैसेज था, तो आपको यहाँ पर मेन मैसेज यही दिया जा रहा है कि आपके सपनों के द्वारा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है. ख़ास करके अगर आप बहुत ही थोड़ा सा आप अनकम्फर्टेबल सा महसूस करते हो दो और चार के समय के दौरान आपको लगता है थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है, आप उठते हो पानी पीने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए, या फिर आप नींद में आपको लगता है कि आधी नींद में हूँ और आधा जागा हुआ हूँ, रियलिटी भी महसूस हो रही है और वो सबकॉन्शियस की एनर्जी भी महसूस हो रही है. आई फील लाइक कि इस समय के दौरान आपकी चैनलिंग होती है और आपको बेसिकली यही कहा जा रहा है कि पे अटेंशन. रात के समय कोई भी हलचल है कैंसर, पे अटेंशन अगेन, खास करके 2 से 4 के समय के दौरान जो भी होता है. यहाँ पर अगर आपको 222 एंजल नंबर, 333 एंजल नंबर, 444 एंजल नंबर भी नज़र आते हैं, उस समय आप क्या सोच रहे होते हो उन आइडियाज़ को रिकॉर्ड करना भी शुरू करो. वो आपके आकाशिक रैकेट्स के बारे में आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं यहाँ पर. ओके तो यस कैंसर, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ये रीडिंग है. आई होप कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा. और मैं कुछ समय के बाद लाइव भी जाऊंगी गाइस आज, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा लाइव पर भी मुझे ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा. ओके तो यस गाइस, आज की रीडिंग के लिए इतना ही. और अब हम देखते हैं हमारे पाइसिस के लिए.